अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर इरफाना मैम। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू टॉपिक ट्रीज एंड देयर ड्रीम्स। पेज नंबर इज 51। सो लेट्स रीड। वंस देयर वर थ्री ट्रीज ऑन अ हिल इन द वुड्स। एक दफा एक जंगल में पहाड़ी की चोटी पे तीन पेड़ हुआ करते थे। दे वर डिस्कसिंग देयर होप्स एंड ड्रीम्स व्हेन द फर्स्ट ट्री सेड, समडे आई होप टू बी अ ट्रेजर चेस्ट। वो तीन पेड़ आपस में अपने ख्वाब और उम्मीदें डिस्कस कर रहे थे। तो एक जो पेड़ था उसमें उसने कहा, मैं एक दिन ट्रेजर चेस्ट बनूंगा, मुझे उम्मीद है। आई कुड बी फिल्ड विद गोल्ड सिल्वर एंड प्रीशियस जिम्स। और मेरे अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात भर दिए जाएंगे। आई कुड बी डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल कार्विंग एंड एवरीवन वुड सी द ब्यूटी। और मुझे अच्छे से नक्श निगारी की जाएगी और मैं खूबसूरत लगूंगा और हर कोई मेरी खूबसूरती सराहेगा देखेगा। Then the second tree, suddenly someday I will be a mighty ship. तो उसके बाद अचानक दूसरा पेड़ कहता है, एक दिन मैं एक बहुत बड़ा समंदरी जहाज बनूंगा। I will take kings and queens across the waters and sail to the corners of the world. और मैं अपने जहाज जब मैं बनूंगा, मेरे ऊपर सवार होंगे राजा महाराजा शहजादियाँ महारानियाँ, और मैं पानी के अंदर तैरूंगा और मैं पूरे दुनिया की सैर करूंगा, दुनिया के हर एक कोने में जाऊंगा। एवरीवन विल फील सेफ इन मी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ माय हार्ट। और ये कहता है, हर कोई मेरे ऊपर बहुत सेफ फील करेगा, महफूज फील करेगा, क्योंकि मैं मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है। फाइनली द थर्ड ट्री सेट, आई वांट टू ग्रो टू द टॉलेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। तीसरे पेड़ ने कहा कि मैं लंबा और सीधा उगना चाहता हूँ इस पूरे जंगल में। पीपल विल सी मी टॉप ऑफ द हिल एंड लुक अप टू माई ब्रांच एंड थिंक ऑफ द हेवंस एंड गॉड। लोग जो है दूर दूर से मुझे देखेंगे पहाड़ की चोटियों पर, और मेरी जो ब्रांच से बाहें हैं, लोगों को जब इन पर नज़र पड़ेंगी उनको जन्नत और खुदा याद आएगा। एंड हाउ क्लोज टू देम आई एम रीचिंग, और मैं उनके नज़दीक कितना हूँ जन्नत और गॉड के नज़दीक। आई विल बी द ग्रेटेस्ट ट्री ऑफ ऑल टाइम एंड पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर मी। मैं सबसे ऊंचे पेड़ रहूंगा और लोग हमेशा मुझे याद करेंगे। नाउ टर्न द पेज 52। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रेइंग देयर ड्रीम्स वुड कम ट्रू, अ ग्रुप ऑफ वुड्समैन केम अप ऑन द ट्रीज। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उन लोगों की मन्नतें पूरी हो गई और वहां जंगल में कुछ लकड़हारे आए। When one came the first tree, he said, "This looks like a strong tree. I think should be able to sell to the carpenter and he be cutting it down." तो पहले जो लकड़हारा उसने कहा, मुझे लग रहा है ये पेड़ बहुत मजबूत है, मैं इसको काटूंगा और भेजूंगा तुरखान के पास और वो इसको काटेगा। The tree was happy. He knew that carpenter would make him into a treasure chest. वो जो पेड़ था वो खुश हो गया और उसको लग रहा था कि कारपेंटर मुझसे एक ट्रेजर चेस्ट बनाएगा। एट द सेकेंड ट्री अ वुड मैन सेड, दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री, आई वुड बी एबल टू सेल इट टू द शिपयार्ड। द सेकेंड ट्री वॉज हैप्पी, ही न्यू ही वॉज ऑन हिज वे ऑफ बिकमिंग अ माइटी शिप। तो दूसरे लकड़हारे ने जो दूसरे पेड़ को देखा और कहा, ये बहुत ही मजबूत है पेड़ है, मैं इसको शिपयार्ड को बेच दूंगा। तो दूसरा पेड़ भी खुश हो गया, उसको लगा कि मैं
एक बड़ा क्या समुद्री जहाज बनने वाला हूँ। When woodsman came upon the third tree, जब woodsman आए यही लकड़हारे आए तीसरे पेड़ के पास, the tree was frightened because he knew that if they cut him down, his dreams would not come true. उसको लगा, उसको डर गया तीसरा पेड़, क्योंकि उसको लगा जो अगर ये मुझे काट देंगे तो मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। उसका क्या ख्वाब था? लंबा और ऊंचा बनने का। One of the woodsmen said, एक लकड़हारे ने कहा, I don't need anything special from my tree. वो कहता है मुझे इस पेड़ से कुछ खास नहीं चाहिए। I will take this one. मैं ये वाला पेड़ पकड़ूंगा। And he will cut it down. तो उसने वो पेड़ काटना शुरू किया, उसके बदले दूसरा पेड़। समझ गए आप? तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी सुनी कैसे तीन पेड़ एक जंगल में होते हैं और उनके अपने अपने ख्वाब होते हैं, वो अपने ख्वाबों का इजहार करते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, तो उनके ख्वाब भी कैसे क्या पूरे होने लगते हैं जब वहाँ पर क्या तीन लकड़हारे आते हैं उस जंगल में और उनको काटने लगते हैं, उनको क्या लगता है कि उनके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आई होप कि ये लेसन जो है पेज नंबर 51 और 52 की आज हमने रीडिंग की, आप इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे। आज मैंने इसकी ग्लॉसरी आपको नहीं दिखाएगी, मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे वो दिखाऊंगी। ओके फाइन स्टूडेंट्स, आप इस मैंने जैसे बोला आप सब स्टूडेंट्स की ये जो है रीडिंग वो बहुत वीक है, आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे। फाइन, वेरी गुड। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।